बात यूएसए स्टडी वीज़ा की करेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स के कि अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं यूएसए के लिए, कौन से इनटेक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही बहुत ही कम खर्चे पर जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं कितनी ऑप्शंस उनके लिए अभी भी अवेलेबल हैं अगर वो अप्लाई करना चाहें, किस तरह की कैसी अर्निंग वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, ये तमाम सवाल आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हरजोत कौर, और यूएसए स्टडी वीज़ा को लेकर और कई अच्छी ऑप्शंस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, जैसे कि आप समझ चुके हैं मैंने जो स्टार्टिंग में बात की है, यही सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे आ रहे हैं। यूएसए की बात करते हैं, कमिंग इनटेक की भी बात जरूर कीजिएगा, बताइएगा स्टूडेंट्स को कब के लिए अप्लाई किया जा सकता है, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि हम कम फीस पर अप्लाई करना चाहें तो कितनी ऑप्शंस, अच्छी ऑप्शंस हमें मिल सकती हैं, स्टडी पर ओवरऑल कितना खर्च होगा ताकि स्टूडेंट्स अपनी पूरी तैयारी रख सकें अपने एक्सपेंसेस को लेकर। मैं चाहूँगी इस वीडियो में आप ये पूरी डिटेल स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए। जो आपका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को इनटेक कौन सा मिल सकता है यूएसए के लिए, तो इनटेक अभी जो है, एक तो मिड ईयर इनटेक जिसको मे इनटेक बोलते हैं, छोटा इनटेक होता है लेकिन कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा कोर्सेज जो हर कंट्री में होता है सितंबर इनटेक, जो कि आपका फॉल इनटेक बोला जाता है, उसमें आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। बात आती है कि कम से कम फीस वाला या एक एवरेज फीस वाला जो एक हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सके, तो फीस कंफर्टेबली जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीस काफ़ी कम रहती है, 10 to 12,000 डॉलर्स रहती है। यूनिवर्सिटी फीस जो है वो आपकी 20,000 डॉलर से लेके ज़्यादा की तो कभी भी कोई वो नहीं होती है, लेकिन एवरेज तौर पे अगर हम बात करें 20,000 डॉलर से लेके 35-40,000 डॉलर तक भी जाती है पर एनम। लेकिन अगर बच्चे का एकेडमिक स्कोर अच्छा है, उसका जीपी अच्छा है, उसका आइल्स, ड्यूलिंगो, टोफल कुछ भी उसने किया, इंग्लिश का कोई जो भी एलिजिबल टेस्ट है वो किया हुआ है, उसका स्कोर अच्छा है और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, कोई एनजीओ के साथ काम किया है या कोई एक्स्ट्रा कम्युनिटी के साथ काम किया है या स्पोर्ट्स में काम किया है, तो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती हैं। हमने देखा कि 50% तक भी स्कॉलरशिप बच्चों को मिली है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आपको आने एन एवरेज अगर यूनिवर्सिटी में अगर 12-15 हज़ार डॉलर पर एनम आफ्टर स्कॉलरशिप पड़ जाता है तो वो बहुत अच्छी एक ऑप्शन आपकी हो जाती है। अब आप बात करते हैं कि कोर्सेज की, कौन सा कोर्स बच्चे को लेना चाहिए। कोर्सेज डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या चाहता है। ज़्यादातर कोर्सेज जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ बच्चों का ध्यान रहता है, स्टेम कोर्सेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। जब हम उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो जो कोर्सेज आईटी रिलेटेड कोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं। आप देखो जो स्टेम प्रोग्राम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, मैथ में खाली 2% बच्चा जा रहा है स्पेशलाइजेशन करने, जबकि आपका आईटी का बच्चा जो है 78% जा रहा है। दैट मीन्स आप देखो टेक्नोलॉजी में बच्चा सबसे ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो जॉब है वो टेक्नोलॉजी में मिल रही है। अब टेक्नोलॉजी में भी अगर आप बात करें आईटी की, सिंपल आईटी, बैचलर इन आईटी, उसका थोड़ा सा काम होगा। अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे ज़्यादा इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी की डिमांड है, और स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी वो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी करके उसमें जाना चाहता है तो जैसे ही वो पढ़ाई करके बाहर निकलता है, मान लीजिए मास्टर्स कर रहा है और मास्टर 2 ईयर्स की है, मास्टर्स करके जैसे ही वो कैंपस से बाहर निकलते हैं उनके हाथ में जॉब होती है, इतना मतलब इसका स्कोप है। आपका जो क्वेश्चन था एक कि काम बच्चा वहाँ पे कैसे कर सकता है, तो काम करने का ये है
कि वहाँ पे यूएस में ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को अलाउड होता है काम करना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ उनको काम के लिए ऑफ़र करती हैं, और बहुत किस्म के काम होते हैं ऑन कैंपस, बच्चों को इवन जो है टीचिंग भी ऑफ़र कर दी जाती है, लाइब्रेरी में काम मिल जाता है, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पे ऑन कैंपस काम कर सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने काफ़ी डिटेल में स्टूडेंट्स को अवेयर किया है, पूरी जानकारी दी है। स्टूडेंट्स के और कोई सवाल हो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।